हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने दही लिया है, 2-3 कटोरी खट्टा वाला दही। यहाँ पर मैंने लहसुन और धनिया पत्ता को ऐसे दरदरा कूट के लिया है। ऐसे डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। अब दही को हमें अच्छे से फेंट के लेना है और पतला भी करना है उसमें। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। दही को अच्छे से पतला करके लिया है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरह से पतला हुआ है। अब उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालनी है। आप चाहे तो हरी मिर्च की भी बना सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च की भी कड़ी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं मिर्च पाउडर। अब स्वादानुसार नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के बेसन लिया है। आप अपने हिसाब से, कड़ी आपको गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से आप बेसन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी से मीडियम में बनाऊँगी, ज़्यादा पतले नहीं बनाऊँगी। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें 1 चम्मच जीरा को ऐसा दरदरा कूट के डालना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती है, सिंपल तरीके से बनकर तैयार होती है खाने के लिए। आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले लिया है। अब इसे तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल डालने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा और राई। जीरा राई को अच्छे से चटकने देना है। और मैंने 2-4 लहसुन की कलियाँ को ऐसे ही प्रेस करके लिया है, खाली से कूट के। और कड़ी पत्ता डाल दिया है, 2 लाल मिर्च डाली है सूखी वाली। बस इसे अच्छे से भूनने के बाद हमें जो कड़ी का बैटर बना के रख दिया था उसे डाल देना है। सिंपल तड़के वाली कड़ी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, गाँव में अक्सर ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं तड़का अच्छे से लग चुका है। जो मैंने बैटर बना के रख दिया उसे डाल के मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। अब इसे मीडियम आँच में हमें 5 मिनट के लिए पकाना है कढ़ी को। एकदम फुल गैस में नहीं पकाएंगे, नहीं तो पानी अलग और दही अलग हो जाता है। हम सिंपल ही ऐसे अच्छे से पका करके लेते हैं। हल्की सी बॉईल आ गई है, आप देख सकते हैं। अब 5 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी हमारी बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से, ना कोई तामझाम, ना कुछ ज़्यादा मसाले के साथ, सिंपल तरीके से खाने के लिए बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसकी गर्मा गर्म हम सर्विंग करते हैं फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले रेसिपी में।